मित्रों नमस्कार। मिश्रा आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग लंबवत समविभाजन विधि द्वारा हेप्टागन की रचना करने के बारे में सीखें, अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ हेप्टागन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, जिसकी आर्म लेंथ ए बी 30 mm दी हुई है। सर्वप्रथम ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लंबाई 30 mm होगी। ए बी का लंबार्धक करेंगे इस तरह से। फिर इस लाइन को मिला देंगे जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं। ए बी को जो है लंबार्धक जहां पर काटते हैं उसका नाम सी रख देंगे। अब इसके बाद बिंदु सी को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे, अर्थात अर्धवृत्त ड्रॉ करेंगे। ये अर्धवृत्त लंबार्धक को 0.4 पर काट रही है। अब ए बी त्रिज्या लेकर के बी को केंद्र मानकर लंबार्धक पर चाप लगाएंगे तथा इसी त्रिज्या का इस तरह से लेंगे। अब जहाँ पर ये चाप काटते उसका नाम रख देंगे सी 6 और 6 और 4 का लंबार्धक करेंगे। इसके बाद इसका नाम रख देंगे 5 5 और 6 की दूरी लेकर के 6 पर केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे। इसका नाम रख देंगे 7 अब 7 और ए त्रिज्या लेकर के एक पर ड्रॉ करेंगे। हमारा वृत्त हो गया। अब इस वृत्त पर ई वी दूरी लेकर के पी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे इस तरह से। इसका नाम रख देंगे डी
ई एफ जी और एच। अब इन लाइनों को क्रमशः मिला देंगे, बी को डी से मिलाएंगे, डी को ई से मिलाएंगे, ई को एफ से मिला देंगे, एफ को जी से मिला देंगे, जी को एच से मिला देंगे और एच को इससे मिला देंगे, इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे, ए बी की लंबाई यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से हमें ए बी डी ई एफ जी एच ए एक आकृति मिलेगी जो हेप्टागन कहलाएगी। इस प्रकार से हम हेप्टागन की रचना पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद, शेष अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।